नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन फॉर वेस्ट ब्रॉम वर्सेस बर्नली। इंग्लिश प्रीमियर लीग का ये मैच आज रात में 10 बजे से है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों टीम्स टेबल की बॉटम थ्री पोजिशन पर है। वेस्ट ब्रॉम 4 गेम खेली है, उसमें एक पॉइंट है जो इनको चेल्सी के अगेंस्ट 3-3 ड्रॉ से मिला था, और बर्नली 3 गेम में 0 पॉइंट्स पे हैं, बिकॉज अपनी तीनों ओपनिंग गेम्स हार चुकी है। दोनों टीम्स अगर आप देखें दोस्तों, तो एक भी विन अब तक मिली नहीं है। और सबसे शॉकिंग है वेस्ट ब्रॉम का डिफेंस, अब तक 4 गेम में 13 गोल्स कंसीड कर चुके हैं, और बर्नली अब तक 3 गेम में 8 गोल कंसीड कर चुके हैं। तो मोटा मोटा दोनों डिफेंसेस काफी वीक रहे हैं। बर्नली से आइडियली ये उम्मीद नहीं की जाती है, बिकॉज काफी स्ट्रांग होता है उनका डिफेंस अदरवाइज, और काफी बढ़िया खेलते हैं। बट इस पर्टिकुलर गेम में, इस पर्टिकुलर सीजन में अब तक रादर काफी वीक शुरुआत करी है दोनों टीम्स ने। अगर हम दोनों टीम्स का पिछले 5 गेम का परफॉर्मेंस देखें, तो बर्नली पिछले 5 में से एक खाली लीग कप का मिलवॉल के अगेंस्ट 2-0 जीती थी, उसके बाद मैन सिटी से 3-0 हार गई थी लीग कप में, और प्रीमियर लीग के तो तीनों फिक्सर ये 4-2 लेस्टर से, 1-0 साउथहैम्पटन से, और 3-1 न्यूकासल से हार गई थी। अगर हम वेस्ट ब्रॉम की बात करें, तो वेस्ट ब्रॉम भी अपना लीग कप का फर्स्ट फिक्सर हैरोगेट टाउन के अगेंस्ट 3-0 जीती थी, उसके बाद वो हार चुके थे ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जो चैंपियनशिप की टीम है, 2-0 पेनल्टीज पर हार चुके थे। और चेल्सी वाली गेम में दोस्तों, ये 3-0 से लीड कर रहे थे चेल्सी को, हालांकि वो एंड में प्रेशर में आके 3-3 से ड्रॉ कर गए, बट ये काफी बढ़िया मौका था वेस्ट ब्रॉम के पास इस पर्टिकुलर गेम में सील करने का। अगर हम साउथहैम्पटन वाली गेम देखें, तो 2-0 से हार गए। तो मोटा मोटा इस पर्टिकुलर गेम में भी हम भले करंट फॉर्म में दोनों टीम्स में कुछ चुनने लायक है नहीं, बट हिस्ट्री, स्क्वाड स्ट्रेंथ, ये सबको अगर आप देखोगे, तो हमारी तरफ से बर्नली 1-0 काइंड ऑफ अ विक्ट्री के लिए हम जाएंगे इस पर्टिकुलर फिक्चर में। और वो क्यों भी होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम हमारी टीम्स बनाएंगे उस समय, तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में। और की स्टैट्स की बात करते हैं, पिछली 6 एनकाउंटर्स में इन दोनों टीम्स के बीच में वेस्ट ब्रॉम 3 बार जीती है, बर्नली केवल 1 बार जीती है, और 2 गेम्स ड्रॉ हुई है। बर्नली का अगर आप देखोगे, तो फॉर्म थोड़ा सा पुअर चल रहा है। जैसे आप देखा था, लास्ट 4 गेम्स में इन्होंने केवल 5 गोल स्कोर करे हैं, बट 9 बार कंसीड करा है। और सबसे मजेदार बात यह है, वेस्ट ब्रॉम के पिछले 12 में से 11 गेम्स में अगेंस्ट बर्नली 2.5 गोल स्कोर हुए हैं हर मैच में। तो एवरेज अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर लास्ट कुछ गेम्स का, तो काफी ऊपर रहा है। ये फिक्सर ने थोड़े से गोल्स देखे हैं, बट आज की गेम में हमें ऐसा लग रहा है शायद ये 1-0 इन फेवर ऑफ बर्नली हो सकती है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आपको अब तक का वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो प्लीज उसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक्स और मोटिवेशन से हमें काफी प्रेरणा मिलती है, काफी हमें साहस मिलता है कि और हम मेहनत करें। एक्सपेक्टेड 11 की बात करें, तो वैसे कोई सरप्राइजेस होंगे नहीं दोनों तरफ से। कुछ इंजरीज हैं बर्नली की जो उनको इस गेम में भी खलेगी, जैसे बेन नहीं है, अवेलेबल नहीं है तो इस पर्टिकुलर गेम में, तो वो थोड़ा सा इनको खलेगा, बट ओवरऑल शुड नॉट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम फ्रॉम आइदर साइड्स। की प्लेयर्स की बात करें, तो वेस्ट ब्रॉम की तरफ से रॉबिनसन ने अब तक 2 गोल मारे हुए हैं, बट इस पर्टिकुलर गेम में शायद वो अवेलेबल ना हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो लिस्टेड प्लेयर्स में भी नहीं है। अगर वो स्टार्ट कर जाते हैं तो नथिंग लाइक इट, बट हमें लग रहा है शायद इस पर्टिकुलर गेम में मुश्किल हो इनका स्टार्ट करना। मैथ्यूस परेरा ब्रिलियंट फॉर्म में है, 1 गोल 2 असिस्ट अब तक दे चुके हैं। डियांग गाना भी एकदम बहुत उम्दा फॉर्म में है, अब तक 1 गोल मार चुके हैं। तो ये मोटा मोटा यहाँ से जो की प्लेयर्स जो वॉच आउट फॉर होंगे वेस्ट फॉर्म के, वो हैं। बर्नली की तरफ से डन जो इनके डिफेंडर हैं, 1 गोल मार चुके हैं, काफी उम्दा था, एक डिफेंडर के लिए गोल स्कोर करना काफी हेल्पफुल हो जाता है। इसके अलावा क्रिस वुड जो इनके ब्रिलियंट स्ट्राइकर हैं, उन्होंने अब तक 1 गोल मारा हुआ है। ड्वाइट मैकनील जो मिडफील्डर है, उनकी असिस्ट है, और वेस्टवुड का 1 गोल है। तो नॉट मच टू चूज फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ फैंसी प्लेयर्स इन दिस फिक्सर, और इसीलिए हम सजेस्टेड ड्रीम 11 टीम की बात करेंगे। तो वुड, परेरा और रॉबिनसन, इन तीनों को लिया हुआ है हमने। रॉबिनसन अगर ना खेले दोस्तों, तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगी कि क्या हुआ लाइनअप आने के बाद, क्या है फाइनल टीम, और किस तरीके से हमने हमारी फैंटेसी 11 को चुना है, अलोंग विद कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी पिक्स। मिडफील्ड की बात करें, तो मैकनील, वेस्टवुड, डियांगना, इन तीन प्लेयर्स को चुना हुआ है हमने, जिसमें से वेस्टवुड और डियांगना आर गुड ऑप्शन स्पेशली फॉर वाइस कैप्टेंसी। कैप्टेंसी इनको देना शायद इतना वाइस डिसीजन ना हो, तो आप एक ग्रैंड लीग टीम्स की तरफ से पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो कि आप ऐसा करें। डिफेंस में बिकॉज हम बर्नली क्लीन शीट के लिए गए हैं, हमने पोप, डन, टेलर, लॉन्ग, इन 4 प्लेयर्स को लिया हुआ है, और 8.5 का डेविड ओशिया हमने लिया हुआ है फ्रॉम वेस्ट ब्रॉम। तो मोटा मोटा दोस्तों ये हमारा सेटअप है, बिकॉज इन केस
अगर ये निल निल काइंड ऑफ अ सेटअप भी हो सकता है तो एटलीस्ट हमारे पास पांच प्लेयर्स होंगे डिफेंस में जिसके क्लीन शीट के पॉइंट्स आ सकते हैं। तो मैं जैसे कह रहा था दोस्तों, ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे डेडलाइन से 20 मिनट पहले मिल जाएगी। तो प्लीज हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, फ्री चैनल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो उसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जल्द मिलेंगे आपसे कई और फुटबॉल और क्रिकेट गेम्स की एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।